अगर आप 12th क्लास में हैं और आप भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। इसमें आपको आप भी सिखाया गया है और आप भी के जो जो सवाल हैं उन सभी सवालों को बताया गया है। तो इसके पहले मैंने दो वीडियो आप व्यू का बना दिया है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये आप व्यू का तीसरा वीडियो है, इस वीडियो में आपको डॉक्टर मनोहर रे की बुक से चैप्टर 3 से पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो को चलिए देखते हैं और इसमें कौन से सवाल हैं उन सभी सवालों को देखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन विश्वकर्मा, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सर में। चलिए देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि परिवर्त आव्यूह होता क्या है, यानी परिवर्त आव्यूह कैसे खींचेंगे। परिवर्त आव्यूह मतलब होता है कि जो आव्यूह दिया रहे उसमें जो पंक्तियों की संख्या रहे वो स्तंभों में बदल जाती है, या फिर स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये कितनी है, 5 1/2 - 1, ये आपकी सवाल है, कह रहा है इसका परिवर्त आव्यूह बताइए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी कि इसमें 3 पंक्तियाँ हैं। कितनी पंक्तियाँ हैं? 3 पंक्तियाँ। और स्तंभ कितने हैं? स्तंभ एक ही हैं, क्योंकि जो ऐसे सीधा रहता है उसे स्तंभ कहते हैं। कह रहा है इसका परिवर्त आव्यूह बताइए, तो जो ये स्तंभ ये पंक्ति में बदल जाएगा। परिवर्त आव्यूह क्या होगा इसका? परिवर्त आव्यूह होगा इसका, देखिए 5 1/2 - 1, जो स्तंभ था ये पंक्ति में बदल गया, यही आपका परिवर्त आव्यूह हुआ। तो चलिए कुछ और सवालें देखते हैं कि कैसे सवालें हैं जो परिवर्त आव्यूह में बदली जाती हैं। चलिए देखिए, जैसे कह दिया कि 4 2 0 5 1 3 का परिवर्त आव्यूह बताइए, तो आप क्या करेंगे, देखिए जो ये स्तंभ है ये क्या है? स्तंभ है, ये पंक्ति में बदल जाएंगे, तो इसका परिवर्त आव्यूह क्या होगा? देखिए पंक्ति में कैसे लिखा, 4 फिर उसके बाद 2 फिर 0, जो स्तंभ था ये पंक्ति में बदल गई। फिर देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 5 1 3, पहला स्तंभ लिखेंगे तो पहली पंक्ति बनेगी, दूसरा स्तंभ लेंगे तो दूसरी पंक्ति बनेगी, ये आपका परिवर्त आव्यूह निकल गया। तो चलिए अब कुछ इसमें सवालें देखते हैं कि कैसे सवालों को लगाया जाता है, तो चलिए देखते हैं। चलिए एक सवाल देखते हैं, कह रहा है कि यदि ए बराबर 2 3 5 1 तथा बी बराबर 5 2 7 0, तो ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश निकालिए। देखिए ये डैश को इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी का होल घाटी, इसे भी परिवर्त आव्यूह कहा जाता है। नहीं तो कहीं पर टी दिया रहे तो आप सोचे कि टी क्या लिखा है, यानी कि डैश को आप टी भी लिख सकते हैं। तो देखिए परिवर्त आव्यूह इस तरह सवालें बोर्ड में बहुत ज़्यादा आती हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, और इसके बाद आपको सारणिक पढ़ाया जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें बताया जाएगा कि ये सीधा नहीं ऐसे लाइन रहेगी तो इसको कैसे करेंगे, इसमें मान बदलता है, यहाँ गुणा करेंगे चिन्ह बदलता है, तो ये सब आप देखते रहना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आप वीडियो लगातार पूरा देखते रहे तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, यानी 85+ जरूर परसेंटेज बनेगा। देखिए क्या दिया है, ए बी पहले निकालिए आप, ए बी यहाँ से निकाल लीजिए, ए बी देखिए 2 3 5 1, फिर देखिए 5 2 7 0, कैसे निकलेगा इसका गुणा कीजिए, 2 2 4 प्लस सॉरी गलती हो गई, देखिए 5 2 10, ये पहला स्तंभ है पहली पंक्ति में गुणा होगा, 5 2 10 2 5 10, फिर देखिए 5 3 15 प्लस 2 9 2, फिर 7 2 14 5 9 0, 7 3 21 प्लस 1 9 0, अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए 10 में 10 जोड़ेंगे 20 15 2 17 14 में 0 जोड़ो 14 21 में 0 जोड़ो 21, ये आपका ए बी आ गया। आप डैश कह रहा है ना, तो ए बी का होल डैश बराबर आप लिखिए, देखिए जो स्तंभ है ये जो स्तंभ है ये पंक्ति में बदल जाएगा, तो 20 17 हो गया, और देखिए ये कितना हो जाएगा, 14 21, ये आपका ए बी का होल डैश आ गया। अब आपको क्या सिद्ध करना है, बी डैश ए डैश, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आप बी डैश निकाल लीजिए, बी डैश कितना, देखिए 5 दिया है 2 दिया, तो जो ये स्तंभ है किसमें बदल, पंक्ति में, तो 5 2, फिर देखिए सॉरी यहाँ पर लिखा जाएगा 5 2, फिर देखिए ये क्या हो जाएगा 7 0, जो स्तंभ ये पंक्ति में बदल जाएगा, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति, ठीक। अब ए डैश देखिए कैसे निकलेगा, ए डैश क्या दिया है, 2 3, पहला स्तंभ तो पहली पंक्ति बनेगी 2 3, देखिए 5 1, तो दूसरा स्तंभ है तो दूसरी पंक्ति बनेगी 5 1, अब देखिए आपको क्या निकालना है, बी डैश ए डैश, इसका गुणा कर दीजिए, बी डैश ए डैश,
देखिए 5 7 2 0, फिर देखिए 2 5 3 1। अब इसका गुणा कीजिए, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर आप गुणा कीजिए, 2 5 10, पहला स्तंभ पहली पंक्ति, 2 5 10 प्लस 5 2 10। उसके बाद देखिए 2 7 14 प्लस 5 9 0, 3 5 15 प्लस 1 2 2, 3 7 21 प्लस 1 9 0, ये आपका गुणा हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 10 में 10 जोड़िए 20, 14 में 0 जोड़ो 14, 15 2 17 और 21 में 0 21, यानी b डैश a डैश बराबर कितना, 20 17 14 21। देखिए इसमें मिल रहा है 20 17 14 21, दोनों बराबर हो गए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः ab का होल डैश बराबर b डैश a डैश, प्रूव्ड हो गया, यहीं पर आपकी सवाल सिद्ध हो गई। तो चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है यदि a बराबर 3 7 2 6 तथा b बराबर 0 4 -1, तो a प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, नंबर 2 दिया a माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश, आपको दोनों को सिद्ध करना है। पहले इसको लेते हैं, देखिए ये भी होल डैश की सवाल है, यानी परिवर्त आव्यूह की सवाल है। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले a प्लस बी निकालिए आप। देखिए a प्लस बी किस प्रकार निकालेंगे, 3 में 0 जोड़ो कितना हो जाएगा 3, 2 में -1 जोड़िए कितना हो जाएगा, यानी 2 में से 1 घटा 1, 7 4 11, 6 3 9, ये आपका a प्लस बी आ गया। अब a प्लस बी का होल डैश कैसे निकलेगा, देखिए ये जो स्तंभ है ये किसमें बदल है, पंक्ति में, 3 11, ये दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति 9, यानी -1 9। अब आपको क्या देखना है, माइन a डैश प्लस बी डैश, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तथा a डैश कैसे निकलेगा, देखिए पहली और यानी पहला स्तंभ पहली पंक्ति, तो देखिए क्या हो जाएगा 3 7 2 6, ये आपका हो गया। अब देखिए प्लस बी डैश है ना, यानी कि आप बी डैश यहाँ पर निकाल लीजिए, बी डैश कितना हो जाएगा 0 4 -1 3। अब क्या निकालना है, ए डैश प्लस बी डैश, यानी दोनों को जोड़ना है, 3 में 0 जोड़ो 3, 7 में 4 जोड़ो 11, 2 में 1 घटाइए 1, 6 3 9, देखिए 3 -1, यहाँ पर -1 नहीं होगा क्या, देखिए। चलिए ये सवाल देखते हैं, देखिए ये भी होल डैश की सवालें हैं। तो कह रहा है कि यदि a बराबर 3 7 2 6, b बराबर 0 4 -1 3, तो a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, दूसरा सिद्ध करना है माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। तो सबसे पहले चलिए पहला सिद्ध करते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, पहला लीजिए a प्लस बी, सबसे पहले आप जोड़ निकालिए बाद में डैश निकालना, तो जोड़िए इनको, 3 में 0 जोड़ो 3, 2 में से 1 घटाइए 1, 7 में 4 जोड़िए 11, 6 3 9, ये आपका a प्लस बी हो गया। तो a प्लस बी का होल डैश देखिए किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो पहला स्तंभ है ये पंक्ति बन जाएगा, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति 1 9, ये हो गया a प्लस बी का होल डैश। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है a डैश प्लस b डैश, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर a डैश निकालिए प्लस b डैश, देखिए कैसे होगा, a डैश कितना है, देखिए इसको बदल दीजिए, क्या हो जाएगा 3 7 2 6, ये हो गया a डैश प्लस b डैश कितना होगा, देखिए 0 4 -1 3, दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए 3 में 0 जोड़ो 3, 7 में 4 जोड़िए 11, 2 में 1 घटाइए 1, 6 में 3 जोड़िए 9, यानी कि 3 1 या 11 9, दोनों समान मिल रहा है, देखिए ये दोनों मिल रहा है, यहाँ पर होल डैश रहेगा होल डैश। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों चीज़ मिल रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, यहीं पर आपकी सवाल प्रूव्ड हुई। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं, सबसे पहले आप a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस बी यानी 3 में से 0 घटाइए 3, 2 में से यहाँ माइनस है, तो 2 1 3 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 7 में 4 घटाइए 3 हो जाएगा, 6 में 3 घटाइए 3 हो जाएगा, सभी में बराबर है। देखिए a माइनस बी का होल डैश क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ सब वही होएगा। अब देखिए आपको क्या निकालना है, a डैश माइनस b डैश, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a डैश माइनस b डैश, तो देखिए a डैश कितना होगा 3 7 2 6, माइनस b डैश कितना होगा 0 4 -1 3। अब इसको घटाना है आपको, देखिए 3 में 0 घटाइए 3, 7 में 4 घटाइए 3, 2 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 1 3, 6 में से 3 घटाइए 3, देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो आप क्या लिखेंगे, अतः a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस
बी डैश, यहाँ पर आपके दोनों सवाल सिद्ध हो गए। तो आपको आगे सवाल और बताया जाएगा। चलिए बताते हैं एक और सवाल, देखिए कह रहा है कि यदि ए बराबर कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा, तो ए ए डैश यानी ए डैश ए बराबर आई, आपको ये सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यल एच एस लेंगे, ए ए डैश ए कैसे निकालेंगे। देखिए ए तो लिखा है, ए डैश कैसे होगा, जो पहला स्तंभ है पहली पंक्ति बन जाएंगे कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति कास अल्फा। देखिए ए कितना दिया है, यही दिया है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा, आपको आई सिद्ध करना है। तो देखिए इसका गुणा कीजिए, कैसे गुणा करेंगे, पहला स्तंभ पहली पंक्ति, इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कास अल्फा, इसमें गुणा करेंगे माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। फिर देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कैसे करेंगे, यहाँ पर साइन अल्फा कास अल्फा, यहाँ पर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा, ये आपका हो गया। तो देखिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर एक होता है, और साइन अल्फा कास अल्फा प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, इतना बराबर क्या होता है, यहाँ जो कटा यहाँ जीरो बचा, यहाँ कटा जीरो बचा, यहाँ बचा एक। तो देखिए 1001 ये किसका मान है, आई का मान है। तो यहाँ पर आपके सवाल प्रूव्ड हो गए, आई आपका आ गया। तो चलिए एक लास्ट सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल दिया है, इसमें कह रहा है सममित और विषम सममित आप व्यू निकालना है। तो इसकी सवालें कई सवालें आती हैं, इसका एक सूत्र होता है जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, और उस सूत्र पर आपको सभी सवालें लगाना है और आप लगा लेंगे। तो एक सवाल मैं लगा कर दिखाता हूँ, फिर आप देखिएगा। देखिए कह रहा है सममित और विषम सममित, तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे सममित, फिर इधर निकालेंगे विषम सममित। तो देखिए यहाँ पर सममित आप व्यू, सममित आप व्यू व्यू, देखिए इसका सूत्र होता है 1 अपॉन 2 ए प्लस ए डैश। तो देखिए यहाँ पर 1 अपॉन 2 ऐसे आप लिखिए, ए दिया है कितना 3 1 5 माइनस 1 प्लस, यहाँ पर एक मतलब ब्रेकेट लगा दीजिए, ए डैश कितना होगा, देखिए पहला स्तंभ पहली पंक्ति बन जाएगा 5 माइनस 1। अब इसको आप जोड़ दीजिए 1 अपॉन 2, देखिए कितना होगा जोड़ने पर, 3 में 3 जोड़िए कितना होगा 6 होगा, 5 में 1 जोड़िए कितना होगा 6 होगा, 5 में 1 जोड़िए 6 होगा, -1 -1 कितना हो जाएगा -2। अब देखिए जो यहाँ पर 2 है यानी कि 1/2 है, इससे सभी में भाग देना है, तो भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 3 6 2 3 6 2 3 6 और 2 1 2 यानी कि आपका आ गया 3 3 3 -1, ये आपका सममित आव्यूह आ गया। अब देखिए विषम सममित आव्यूह क्या होगा, विषम सममित इसका सूत्र होता है 1 अपॉन 2 ए माइनस ए डैश, यही आपका सूत्र होता है, इसमें प्लस होता है इसमें माइनस होता है और अंतर कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर ए कितना दिया है 3 1 5 -1 ए डैश कितना हो जाएगा, देखिए डैश तो 3 1 5 -1। अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, मतलब ब्रेकेट लगा दीजिए 1 अपॉन 2 मतलब ब्रेकेट, देखिए 3 में 3 घटाइए आप कितना बचेगा 0, 5 में 1 घटाइए 4, 1 में -5 घटाएंगे तो क्या बचेगा -4, -1 -1 +1 0 हो जाएगा। देखिए -1 या -1 +1 तो -1 + 1 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 से इसमें भाग देना है, 2 0 0 2 2 4 2 2 4 2 0 2 0 0 ये आपका विषम सममित आ गया। तो कह रहा है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, योग लिखेंगे दोनों का योग। देखिए इसका कितना आया है 3 3 3 -1 और विषम सममित का कितना आया है 0 2 -2 0। अब इसको आप जोड़ दीजिए, देखिए क्या करेंगे, 3 में 0 जोड़ो 3 3 में 2 जोड़ो 5, 3 में देखिए माइनस, यहाँ पर 2 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 -1, देखिए +0 क्या हो जाएगा -1, ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर आपका चैप्टर 3 समाप्त हो गया है, इसके बाद आपका चैप्टर 3D आएगा, तो उसमें प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह निकालना है, तो वो आव्यूह आप पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको यानी कि आपको सारणिक पढ़ना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिटरमिनेंट्स पढ़ लीजिए,
उसके बाद आप उस अव्यूह को पढ़िएगा। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। और हमारे इस चैनल पर ऐसे मतलब कि चैप्टर वाइज क्लास ट्वेल्थ का पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है, और यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपको बताता रहूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।